धर्मराज युधिष्ठिर के साथ है। अपनी सेना के साथ समय पर हम युद्ध स्थल पहुंच जाएंगे। आप आश्वस्त रहे। जो आज्ञा तो मुझे भी आज्ञा दीजिए। पिताश्री, इस धर्म युद्ध में मैं अवश्य ऐसा कौशल दिखाऊंगा जिससे आपको गर्व हो। तुम्हारी आयु युद्ध में जाने योग्य नहीं है, अतः जब तक मैं विजयी होकर वापस ना आऊं तब तक तुम्हें प्रजा का पालन पोषण करना है। पिताश्री, यदि समय पर मैं अपने पराक्रम का प्रदर्शन न करूं तो वीर कहलाने का कोई हक नहीं। परंतु पुत्र, पिताश्री, एक योद्धा नहीं तो अपना सहायक बनाकर ले चलिए, ये एक पुत्र की प्रार्थना है अपने पिता से। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है, अब तो विजय निश्चित है। चलो तैयारी करो। दौरान वल्लभ सेन का युद्ध कौशल देखते ही बनता था, परंतु युद्ध के दसवें दिन उनका सामना हुआ गंगा पुत्र भीष्म से। भीष्म के बाणों की जब वर्षा हुई, तीर वल्लभ के सीने में हंसने की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते हैं। अब सूर्यवंश की राज तुम्हारे हाथ में है। विजयी भव। आपके पिताश्री ने धर्म युद्ध में अपनी देह का परित्याग कर महान वीर गति को प्राप्त किया है। वे कदापि शोक करने के योग्य नहीं है, अतः हे परमवीर, शोक का परित्याग करो। अग्रसेन ने उठा लिया फिर अपना धनुष और बाण, वर्षा बाणों की कर धूप किया घमासान। जो नृप भी उन्हें देखता करता खूब बखान, रण कौशल से कर दिया सबको है हैरान। 18 दिन तक चले युद्ध में जिसने भी अग्रसेन को देखा वो उनके रण कौशल से मोहित हुए बिना नहीं रहा। युद्ध की समाप्ति पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अग्रसेन से कहा, अग्रसेन, मैंने युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे कौशल को देखा है,
निसंदेह तुम धर्मवीर हो, मेरे लिए तुम मेरे भाइयों के समान हो। तुमने मेरी आत्मा पर विजय पाई है अग्रसेन, आओ अग्रसेन। धन्य हो अग्रसेन। प्रभु आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। जाओ अग्रसेन, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित हो। भूमि, कीर्ति, यश तथा लक्ष्मी सत्य पर आश्रित सदाचारियों का ही सदैव अनुसरण करती है। धर्मनिष्ठ भाव। अहो भाग्य प्रभु, विदाली धर्मराज से देखा कृष्ण की ओर, अनाथ पुत्र की तरह चले अपने नगर की ओर। शोका कुल था प्रतापपुर, दुखिया थे सब, डोर पिता की छूट गई, गिर पड़े मौत के ठार। माता भगवती ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। दोनों माँ बेटा विलाप करने लगे।